सबसे पहले बात कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की। आनंद शर्मा के बयान पर अब अधीर रंजन चौधरी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा ने गांधी नेहरू ज्यादा पढ़ लिया होगा। ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आनंद शर्मा के लिए कहा जा रहा है। आपको याद है G23 उन 23 नेताओं का गुट जो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। गठबंधन आप लोग का अलायंस हो रहा है, उसको लेकर आपके पार्टी के नेता लोग जो है, आनंद शर्मा हो, उन्होंने आप पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया सेकुलर फ्रंट को लेकर कि आप सेकुलर फ्रंट से गठबंधन कर रहा है और आप उसके लिए जिम्मेदार है और ये नहीं होना चाहिए कि नेहरू और गांधी की नीतियों का खिलाफत है, उसको लेकर क्या कहना है? ज़्यादा नेहरू गांधी पढ़ लिए होंगे हमारे आनंद शर्मा जी, अगर वो मुझे एक फ़ोन कॉल करते तो आराम से उनका मैं सारी चीज़ बता देता, अवगत करा देते। जो फुरपुरा शरीफ की बात ये होते हैं, ये फुरपुरा शरीफ को सारे हिंदुस्तान में आजमी शरीफ के एक आजमी शरीफ होते हैं और एक फुरपुरा शरीफ होता है। इतना प्रोमिनेंट एरिया है, अजमेर शरीफ में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैसे जाते हैं, फुरपुरा शरीफ में भी जाते हैं। यहाँ बीजेपी TMC CPM कांग्रेस सब जाते हैं, सारे हिंदुओं जाते हैं क्योंकि वो दरगाह है। और ये फुरपुरा शरीफ के जो नेता लोग हैं, मतलब पीर ज़्यादा जो है, उनकी सहायता सत्तारूढ़ पार्टी भी लेते हैं, उनकी एक पीर ज़्यादा ने CPM पार्टी के साथ रिश्ता करके हमारे कुछ नेताओं के साथ ये दरखास्त किया था कि हमें भी बंगाल में सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़ने का मौका दिया जाए, यही हुआ था। अभी CPM पार्टी के साथ हमारे गठबंधन तय हो गए हैं, CPM पार्टी के साथ उनका भी चर्चा हुआ और लगता है ख़त्म भी होने वाला है। तो इसी बीच जब सारे कुछ बड़े ढंग से चल रहे हैं तो ये मुद्दा आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे और उनकी ये मकसद लगता है ऐसा कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर को ऊपर कोई कीचड़ छेड़ना, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता, इसलिए जो फजूल चीज़ है, फजूल बातें उठा रहे हैं। अगर उनको लगता था कुछ कि गलती हो रहे हैं, एक फ़ोन कॉल की दूरी में हम थे, आराम से उनको मैं समझा पाते। आपको तकलीफ है इस बात का कि उनको उन्होंने फ़ोन नहीं करके ट्वीट किया और बाकी मीडिया में इस बात को बोला? बेकार, जरूरत नहीं था। वो तो चाहा कि मीडिया में ये बता दें और मीडिया को बता देने से किसी दूसरे को खुशी कर सके, किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को खुश कर, आपने कहा फ्यूचर बॉस को खुश करने के लिए खुश करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ट्रोजन हॉर्स जानते हैं, ये ट्रोजन हॉर्स की कुछ पैदा हुए हैं। ये ट्रोजन हॉर्स जब तक हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा वो बीच बीच में इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए उनका ये कवायद जारी रहेगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कांग्रेस पार्टी से निकलना चाहिए। लेकिन ये तो G23 है जो ट्रोजन हॉर्स जिसको कह रहे हो लगातार, गुलाम नबी आजाद साहब कभी प्रधानमंत्री को तारीफ करता है, कभी ये करता है, तो ये लोग को क्या करना चाहिए पार्टी में? जिनका नाम फुसाएगा पार्टी में वो ऐसा एक तो रास्ता वो खुद ब खुद चले जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ काम करे कि वो कह सकते कि मैं शहीद हो गए, वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। सवाल यही है, कोई चाहते कि शहादत ले और थोड़ा किसी दूसरे पार्टी के बॉस आकर पीठ में थपथपाएगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी थपथपाएगी, और हम चाहते हैं कि शहादत लेने का गुंजाइश तुम्हें नहीं मिलेगा। अपनी ही पार्टी के 23 वरिष्ठ दिग्गज नेताओं के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। अब किसका बंगाल में, बात आज करेंगे मुस्लिम वोटरों की। कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है, वजह है मुस्लिम वोट। बीजेपी ने आज बंगाल में योगी कार्ड खेल दिया और इसकी वजह भी मुस्लिम वोट, लेकिन बंगाल के मुस्लिम क्या चाहते हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज किसका बंगाल में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज मालदा में थे, ये वो मालदा है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम है, लोकसभा और विधानसभा में ज्यादातर मुस्लिम ही चुनकर जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने योगी को प्रचार में क्यों लगाया, क्या है बंगाल में बीजेपी का योगी कार्ड, इस रिपोर्ट से समझिए। शंख की ध्वनि,
जय श्री राम का उद्घोष और हरे कृष्ण हरे राम के नारों के बीच आज पश्चिम बंगाल के मालदा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बिना देर किए वो मुद्दा उठाया जिसकी चर्चा बंगाल में सबसे ज्यादा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है जबकि ईद में जबरदस्ती गोहत्याएं कराई जाती हैं। यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौहत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहाँ पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। योगी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही 24 घंटे में गो तस्करी बंद कर दी जाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी पर हमला किया। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं, लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। आज यहाँ पर गरीबी है, आज यहाँ पर बदहाली है, आज यहाँ पर अराजकता है, आज यहाँ पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहाँ की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। और होली के उत्सव को चुनाव के साथ जोड़ते हुए ये रंग बिरंगी होली 2 मई को बंगाल के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दीपावली का उत्सव भी मनाया जाना चाहिए। जिन वजहों से योगी आदित्यनाथ की रैली मालदा में कराई गई, योगी आदित्यनाथ ने उसी फॉर्म में ममता और कांग्रेस पर हमला बोला। लेकिन अब ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ की रैली जो मालदा में आज हुई आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल मालदा में मुस्लिम आबादी 51.27% है जबकि हिंदू 47.99%, अन्य 1% से भी कम है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से टीएमसी और कांग्रेस दोनों यहां से ज्यादा मौकों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारती हैं। इसकी वजह से हिंदू वोटरों में ध्रुवीकरण होता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। 2019 में भी बीजेपी को इसका फायदा मिला और बीजेपी उत्तर मालदा सीट जीतने में कामयाब रही है। 2019 में उत्तर मालदा के नतीजों को देखें तो बीजेपी के खागेन मुर्मू को 37.61%, टीएमसी के मौसम नूर को 31.39% और कांग्रेस से ईशा खान को 22.53% वोट मिले। 2019 के दक्षिण मालदा के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के श्री रूपा मित्र चौधरी को 34.09%, टीएमसी के मुअज्जम हुसैन को 27.47% और कांग्रेस के अबू हसीम खान को 34.73% वोट मिले थे। मतलब साफ है कि उत्तर मालदा में बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से जीत गई, लेकिन दक्षिण मालदा में बीजेपी 1% से भी कम वोटों से चुनाव हार गई।
ये समझना आसान है कि मालदा में हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी अगर कामयाब रहती है तो चुनाव में उनको बड़ा फायदा मिलेगा। शायद इसी मकसद से योगी आदित्यनाथ की रैली मालदा में कराई गई और योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी मालदा रैली में गौ हत्या का मुद्दा उठाकर ये संकेत दे दिए हैं कि चुनाव में ऐसे मुद्दे खूब चलने वाले हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब बात मुस्लिम वोटरों की। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन में मुस्लिम वोटों की लड़ाई। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आम मुसलमान सोचता क्या है, चाहता क्या है, इस बात को समझने के लिए जी न्यूज की टीम उस मुर्शिदाबाद में पहुंची जहां 70% मुस्लिम है। आखिर 2021 में मुर्शिदाबाद किसे चुनेगा, मुर्शिदाबाद के मन में क्या है, देखिए रवि त्रिपाठी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कांग्रेस बम जो थोड़ी आगे जाएगा, टीएमसी भी अच्छा फाइट दे रहा है इस बार। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। मुर्शिदाबाद है बीजेपी आजमे, मुर्शिदाबाद है बीजेपी आजमे, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, ये जिला पूरे देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। इस जिले की खासियत यह है कि इसने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिए। अगर बात करें तो प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इसी जिले की एक लोकसभा सीट जांगीपुर से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इसी जिले के बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। यानी कि कांग्रेस का ये गढ़ है और इस गढ़ को तोड़ने के लिए टीएमसी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा रही है। हालांकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपनी दखल देने की कोशिश इस चुनाव में कर रही है, एक दस्तक देने की कोशिश कर रही है। तो बांग्लादेश की सीमा से लगा ये मुर्शिदाबाद जिला है। इस जिले ने देश को राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पदों को संभालने वाला नेता दिया, लेकिन अब ये जिला गरीबी, बेकारी, आतंकवाद, घुसपैठ और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। ऐसे में 2021 के विधानसभा चुनाव में पूरे देश की नजर मुर्शिदाबाद पर है, क्योंकि मुर्शिदाबाद जिले की 65% से 70% आबादी मुस्लिम है और एक ही जिले में 3 लोकसभा और 22 विधानसभा सीटें हैं। यह पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस के लिए अपने गढ़ को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2016 के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 22 में से 18 सीटें मिली, लेकिन पिछले 5 साल में तृणमूल ने लेफ्ट उनके गठबंधन के 7 विधायकों को तोड़कर अपने को 11 सीट के साथ बराबर पर खड़ा कर दिया है। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की 3 में से 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद टीएमसी का हौसला बुलंद है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का एको सीट नहीं मिलेगा तो अधीर चौधरी का गढ़ नहीं रहेगा। ये बार घास फूल फूटेगा एक गढ़ में, अब देख लीजिए, सोच लीजिए। कांग्रेस गठबंधन का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा टीएमसी को हुआ। इस बार उनका गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इस बार 2016 से भी बेहतर नतीजा गठबंधन के पक्ष में आएगा। शुरू से ही एक माहौल फैला जा रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के अलावा और किसी का कोई ताकत है ही नहीं। ये हम साबित कर दिया कि आपका ये गलत फहमिया है। नहीं नहीं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कभी भी टीएमसी ने अच्छे तरीके से नहीं जीता, कभी भी नहीं। 16 में भी नहीं, 16 का बाद जो इलेक्शन इधर हुआ, चुनाव हुआ, देखिए 2019 में लोकसभा के इलेक्शन है, तब कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं हुआ। अब इस बार तो गठबंधन बहुत अच्छा होगा, 16 साल में इतना अच्छा गठबंधन हमारा नहीं था, और जिस सीट पर हमारा कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ था उसी 4 सीट उसने जीत लिया। ये तो रहे नेताओं के दावे, लेकिन यहाँ की जनता क्या सोच रही है, इसके लिए सबसे पहले हमने मुर्शिदाबाद के लोगों से बातचीत की। तो मेरा एस्टिमेशन है कांग्रेस बम जो थोड़ी आगे जाएगा।
इधर तो कांग्रेस भी स्ट्रांग है, बीजेपी है और टीएमसी भी है, मतलब ट्रायंगुलर वो होगा मुकाबला। टीएमसी है क्योंकि यहाँ टीएमसी आने के बाद बहुत मैंने प्रोग्रेस हुआ है। इसके बाद जी न्यूज की टीम बहरामपुर के रास्ते में निकली तो वहाँ के एक चौराहे पर कुछ लोग मिले तो हमने लोगों से पूछा अब की बार किसका बंगाल। ममता दीदी, या ममता दीदी का ही सरकार चलता है या ममता दीदी की चलेगा। संख्यागरिष्ठ में आएगा वही बनाएगा, जो संख्यागरिष्ठ में आएगा वही सरकार बनाएगा। इधर कांग्रेस ही आएगा जो अलायंस हुआ है। इस बातचीत के दौरान ही एक महिला बीच में आई, हमें लगा और लोगों की तरह ही ये कांग्रेस या फिर ममता की समर्थक होंगी, लेकिन उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। बीजेपी ममता ना कांग्रेस ना मुर्शिदाबाद है बीजेपी आसबे, मुर्शिदाबाद है बीजेपी आसबे, जय श्री राम। महिला की बात सुनकर ये साफ हो गया कि भले ही मुर्शिदाबाद में लड़ाई कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी के बीच है, लेकिन बीजेपी भी इस बार यहाँ लड़ाई में है। भाजपा जरूर खुलेगा, ये बार बंगला तो बदल हो रहा है और फर्स्ट पार्टी होकर उगलाएंगे, हम भी सरकार करेंगे। तो बंगला का जो मन साधारण जो भाजपा का कर्मी है और साधारण लोग है वो बन चुका है, जब बंगला को बदल के रहेंगे हम। इसके बाद जी न्यूज की टीम मुर्शिदाबाद जिले की तीसरी लोकसभा सीट जंगीपुर पहुंची। इस सीट से कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दो बार सांसद रहे। 2019 में इस सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। हालांकि 17 फरवरी को यहां के टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था, जिसके बाद से मुर्शिदाबाद का माहौल गर्म है। एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। तो मुर्शिदाबाद के नेताओं और जनता से बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुर्शिदाबाद में इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला है। यहां लड़ाई दो कोणीय नहीं, हो सकता है कि त्रिकोणीय लड़ाई भी हो और ये मामला दिलचस्प होने वाला है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। किसका बंगाल में वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।